कर्म करिवो से सेमती फल पाइबो। जे गुंडागिरी करिवो से गुंडागर गुंडांग द्वारा मरिवो। महंगा डबल मर्डर घटना रे अड़ुआ रे मंत्री प्रताप जेना सत कहिले फाटुचि कि मंत्रीको छाती आउ काहे कि बिबिले हेउछंती राज्य सरकार कर पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर। सत देखाइले काहे कि मंत्री को हेउछि कष्ट महंगा डबल मर्डर घटना रे गंभीरा भितरे रही गणमाध्यम को एड़ाई जाउथुबा मंत्री प्रताप जेनांको केई पद कथा एबे राजनीति रे झड़ सृष्टि करछि। जे जंती कर्म करिवो से सेमती फल पाइबो। जे गुंडागिरी करिवो से गुंडागर गुंडांको द्वारा मरिवो। प्रताप को एक कथा राज्य राजनीति रे बड़ किंतु सृष्टि करछि। एतला रे 13 नंबर अभियुक्त थिबा मंत्री प्रताप जेनांको विरोध रे लागिथिला दफा 302। ओडियार गोटे कथा अच्छे लुचि चिन्ना गोड़ दीटा दिशुची। मंत्री प्रताप जेनांक कथा को नै एबे विभिन्न महल रे उठिछि प्रश्न। ई जो कथा नै सैतान मुहर बेदपाठ हला। सैतान करूछि कि बेदपाठ? मंत्री निजे कहउछन्ति जे गुंडागिरी करिवो से गुंडागिरी रे जीवो। जे गुंडागिरी करिवो से गुंडागर गुंडांको द्वारा मरिवो। तेबे जे गुंडा माने हत्या करिछन्ति तांको पछरे प्रताप जेना अछन्ति कि एहा को नै विरोधी उठाइछन्ति प्रश्न। आउ थरे सुनंतु महंगा डबल मर्डर घटना को नै कौन कहउछन्ति मंत्री प्रताप जेना। जे जंती कर्म करिवो से सेमती फल पाइबो। जे गुंडागिरी करिवो से गुंडागर गुंडांको द्वारा मरिवो। महंगा डबल मर्डर घटना रे विवाद रे अछन्ति मंत्री प्रताप जेना आ विवाद रे अछन्ति खोद तांको पिए बापी विश्वास आ विवाद रे अछन्ति महंगा ब्लॉक चेयरमैन शरत नायक एपरिकि बापी और शरत डबल मर्डर मुख्य अभियुक्त प्रफुल्ल विश्वास सह बारंबार कथा होइथिबार प्रमाण मध्य मिलिछि। एपरिकि डबल मर्डर रो मुख्य अभियुक्त कहा जाउथुआ प्रफुल्ल विश्वास को मृतदेह मध्य मंत्री का परिवार रो मालिकाना रे थिबा दुशासन जेनास्ट कैड निकट रु मिलिथिला। आउ एई घटना को नै मंत्री को ऊपर बरसिछंती विरोधी। स्पष्ट भाव रे महंगा ट्रिपल मर्डर रे मंत्री प्रताप जेनांकर संप्रुक्ति एटा ओडिसावासी देखिछंती अपराधी मानक संगे तांका फोटो पुणी एफआईआर रे भी 13 नंबर मुदाला से ही थिले प्रथम जे अभियुक्त ताकू तांका घर सामना रे ट्रक चढ़े की मारी दिया गला। आउ ए पूरा घटना प्रधानमंत्री आवास योजना रो दुर्नीति जेतेले भारतीय जनता पार्टी उठेथिला ता सेई कथा को दबाई दबा पाई कि कुलमणि बराल दिव्य सिंह बराल को हत्या करा गला। कॉल रेकॉर्ड मागी मागी पुलिस देला नाही। जेएमएफसी कोर्ट मध्य पुलिस तदंत को भर्सना करथिले एवं कॉल रेकॉर्ड प्रस्तुत करिबा पई कि निर्देश देथिले। सब कथा लोकों आगे रही कोर्ट सामना रे भी उपस्थापना कराउची। एबे बाहरी कि एते दिन नीरव रहिला परे आमे देखिचु से दिन जेतेबेला से मीडिया आगे किछि कहू नथिले बूम को आड़े कि पड़ौथिले तेणु बोधे कौटि ना कौटि भावुवे सब तथ्य प्रमाण नष्ट कर सारी एवं बाहर कि मुह खोली पारे बोली से साहस होती कहते कथा आज गोटे कथा नहीं चोर मचाए सोर ओडिया अच्छी चोर मुह टाण प्रताप जेना उद्देश्य ढगटा कहूना मुझे उदाहरण दूचे ये महांगा डबल मर्डर केस्रे ना एफआईआर अच्छी पुलिस बारंबार कहीं कॉल डिटेल्स दौना ना चार्जसीट दाखल कराऊना ये बाबद निजे अदालत रे विचारपति बारंबार पुलिस को गाली दे सबकि जल जल कर रही आज्ञा तापर सी जी कहे मुहरते आम बाड़बता दबुना किंतु लुचिचिना गोड़ दुष्ट आज लोक जानते ये कथा ना सैतान मुहर बेदपाठ है भाई नशुभु अंतत पक्षे बहु जगार कह जाए ना निरवरता अनेक समय काम दिए राजनीति में तेणु सी जे भावुं जे जोर पार्टी करी ताल मुझे निर्दोष रही। 2021 मसीहा जनवरी 2 तारीख अशांत होइथिला महंगा आ महंगारे गड़ीथिला बीजेपी नेता कुलमणि बराण और दिव्य सिंह बराण का मुंड आवास दुर्नीति नहीं मुह खोलिबारु समान को हत्या करा जाइथिबार होइथिला अभियोग।
अभिवाद को आसीथिले राज्य सरकार पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर तथा महांगा विधायक प्रताप जेना आंटी कुलमणि बराड़ और दिव्यसिंह बराड़ परिवार पक्षर थाना दायर होता मामला एतलार 13 नंबर अभियुक्त रही थे खोद मंत्री प्रताप जेना और विरोध में लगी दफा 302 हेले परवर्त समय ना चार्जसीट रु काटि वर्षित होता महांगा पुलिस प्रफुल्लों गाड़ी और हेलमेट सुरक्षित थिबा बेले मिली नथिला मोबाइल सिम कार्ड आउ ए घटना रे मंत्री भूमिका को नहीं प्रश्न उठाई विरोधी कांग्रेस और बीजेपी प्रसंग को नहीं राज्यव्यापी प्रतिवाद है आंदोलन है विक्षोभ है मंत्री प्रताप जेना विरोध में आक्शन नहीं नथिले सरकार ब्रह्मगिरी कालचरण साहू और बालेश्वर प्रकाश महांती रिपोर्ट आर्गस न्यूज़।